नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हाईकोर्ट ने मनाली, मणिकर्ण व बिलासपुर में पर्यटकों के हंगामे का लिया संज्ञान, सरकार को नोटिस। बजट सत्र की तैयारियां पूरी, विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया बोले, अब तक 541 सवाल पूछे गए, 25 मार्च तक पूछ सकेंगे एमएलए। प्रदेश सरकार ने डी नोटिफाई किए 19 नए डिग्री कॉलेज, कांगड़ा के 4 संस्थान। हमीरपुर रेलवे लाइन की सर्वे रिपोर्ट तैयार, डीसी कांगड़ा ने नॉर्दर्न रेलवे को भेजी। रानीताल बिलासपुर के बीच 100 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 12 स्टेशन बनेंगे। 11 करोड़ 21 लाख में सिरमौर का काला अंब और 5.7 करोड़ में नीलाम हुआ बहराल टोल बैरियर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सहित डीजीपी कुल्लू और बिलासपुर के डीसी और एसपी को मनाली, मणिकर्ण व बिलासपुर में पर्यटकों के हंगामे को लेकर नोटिस जारी किया है। इस संबंध में सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की एक खंडपीठ ने 6 मार्च और 7 मार्च को कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र के आधार पर जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर ये आदेश पारित किया है। हिमाचल विधानसभा के 14 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में कहा कि अब तक विधायकों द्वारा 541 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनमें 391 सवाल ऑनलाइन और 152 प्रश्न ऑफलाइन पूछे गए हैं। इसकी सूचना सदन में संबंधित मंत्री द्वारा दी जाएगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि सदस्यों द्वारा 199 अतारांकित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। इनमें 164 ऑनलाइन और 25 ऑफलाइन पूछे गए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। 6 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 18 सिटिंग रखी गई हैं। 15 मार्च को प्रश्नकाल के बाद शासकीय व विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। कैबिनेट के फैसले के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बीजेपी सरकार के आखिरी महीनों में खोले गए 19 डिग्री कॉलेजों को डी नोटिफाई कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 23 डिग्री कॉलेज जयराम सरकार में अप्रैल 2022 के बाद खोले गए थे। शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 19 डिग्री कॉलेज डी नोटिफाई हुए हैं। कुल मिलाकर नए आदेशों के अनुसार 17 डिग्री कॉलेज और 2 संस्कृत कॉलेज डी नोटिफाई हुए हैं। नए खुले कॉलेजों में से 5 में 0 एडमिशन थी। इसका मतलब ये हुआ कि जयराम सरकार में खुले कॉलेजों में से सिर्फ 4 ही बच पाए हैं। इनमें सिरमौर जिला का नोहराधार, शिमला जिला का कुपवी, चंबा जिला का बनीखेत डिग्री कॉलेज और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के सराज का छत्री डिग्री कॉलेज शामिल है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में रेल विस्तार को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बिलासपुर रेलवे लाइन से कांगड़ा जिला को भी जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए कांगड़ा जिला प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। नई रेल लाइन के लिए भारतीय रेलवे के चीफ ऑपरेशनल मैनेजर द्वारा कांगड़ा प्रशासन से नई लाइन के निर्माण को लेकर सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे जिला प्रशासन ने पूरा कर रेलवे विभाग को भेज दिया है। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि भारतीय रेलवे की तरफ से मांगी गई रिपोर्ट सर्वे के उपरांत भेज दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग के राजस्व जिला सिरमौर के 4 टोल बैरियर की नीलामी शुक्रवार को जिला परिषद भवन के सभागार में रखी गई। सिरमौर जिला के 4 टोल बैरियर में से पौंटा साहिब के गोविंद घाट स्थित टोल बैरियर की नीलामी नहीं हो पाई, जबकि 3 अन्य टोल बैरियर की नीलामी में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को भारी राजस्व का इजाफा हुआ है। जिला परिषद भवन में आयोजित टोल टैक्स की वर्ष 2023-2024 की नीलामी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में की गई। गौतम ने कहा कि सिरमौर जिला के 3 टोल बैरियर की नीलामी हुई है, जबकि पौंटा साहिब के गोविंद घाट के नीलामी फिलहाल नहीं हो पाई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।